साल 2003 में रिलीज हुई मुन्ना भाई MBBS और साल 2006 में रिलीज हुई लगे रहो मुन्ना भाई आज भी इंडियन सिनेमा की कल्ट क्लासिक मूवीज की लिस्ट में शामिल है। लेकिन आज भी फैंस इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शायद ये इंतजार जल्दी खत्म भी हो सकता है, क्योंकि पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने ये कहा है कि वो मुन्ना भाई 3 जरूर बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनके पास मूवी को लेकर एक आइडिया है, लेकिन वो उसे अभी तक फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं। राजकुमार हिरानी ने ये भी बताया कि संजय दत्त उनसे कई बार ये बात कह चुके हैं कि हमें मुन्ना भाई 3 बनानी चाहिए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हम मुन्ना भाई 3 जरूर बनाएंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने इतने सालों से मुन्ना भाई 3 को बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा, तो राजकुमार हिरानी ने ये बताया कि उन्होंने 4 से 5 स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, जिसे उन्होंने अधूरा छोड़ दिया है, क्योंकि वो मुन्ना भाई 3 को सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाना चाहते हैं, वो असल में ये चाहते हैं कि जब तक मूवी की स्क्रिप्ट मुन्ना भाई 1 और 2 के लेवल की नहीं होगी, तब तक वो इस मूवी को नहीं बनाएंगे। वैसे आप कमेंट्स में बताइए कि आप मुन्ना भाई 3 के लिए कितना एक्साइटेड हैं। ऐसे ही एंटरटेनमेंट और मूवी रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।